हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ऑन डिमांड वीडियो फिर से मेरा आ गया है BRM को लेके, बिजनेस रिसर्च मेथड को लेके। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सारी चीजें अपन डिटेल में इसकी पढ़ने वाले हैं। यूनिट वन लेकर मैं आ गया हूँ। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में है, MBA, BBA, BCOM सबके अंदर BRM का सब्जेक्ट चलता है। इवन द PhD में भी इसके बिना काम नहीं चलेगा। यदि आप MBA कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और आप PhD की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी और मेथड, कहीं पे रिसर्च मेथडोलॉजी बोला गया, कहीं पे बिजनेस रिसर्च मेथड बोला गया, सेम है सिलेबस। थोड़ा सा PhD में थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पे नॉर्मल लेवल पे है। तो अपन सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे और एग्जाम है ही आपके, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्लस एक जस्ट रिक्वेस्ट है, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता, कितना समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं वो जल्दी कमेंट कर दें और बता दें कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एक हल्का सा लाइट का फ्लक्चुएशन, हाँ सॉर्ट आउट कर लिया हमने। ठीक है, बहुत जल्दी से। हाँ, तो सबसे पहला जो टॉपिक निकल कर आता है इसके अंदर बिजनेस रिसर्च मेथड में, वो है रिसर्च। देखिए यहाँ पे लिखा है रिसर्च डेफिनेशन मीनिंग, ये फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है। पहले थोड़ा सा बुकिश देख लेते हैं, इसके बाद मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, रिसर्च डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्क नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द न्यू क्रिएटिव वे। So the generate new concept methodologies, understanding this could include synthesis and analysis previous research to extend that the leads to new creative outcomes. Business research is a process acquiring detailed information of all the area business and using such information is maximization of sale profit of the business, such as study of company helps to company determine which product services is more profitable and the demand. अब व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च, यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, रिसर्च जो वर्ड है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, री और सर्च। ठीक, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको और एडवांस लेवल तक अपन लेके जाएंगे। री का मतलब होता है रिपीट, ठीक है, और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो जो रिपीट खोजना यानी कि फिर से एक बार पुनरावृत्ति करना, यानी कि रिपीटेशन का काम करना जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है। इस सपोज कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, डिमांड कैसी रहने वाली है, दैट इज द सर्च, दैट इज द प्राइमरी कंसर्न। अब उसका फिर से हमारे डाटा के आधार पे फिक्स प्रोबेबिलिटी लगाना रिसर्च। अभी भी नहीं समझ में आया ना? देखो, रिसर्च इज बेसिकली द एनालाइजिंग ऑफ द डेटा, एनालाइजिंग ऑफ द डेटा। डेटा होना बहुत जरूरी है रिसर्च के लिए, और डेटा सर्च का पार्ट होता है, डेटा सर्च का पार्ट होता है। एक बिल्कुल नया कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि रिसर्च का मीनिंग ऐसा बुक के अंदर भी नहीं है, बट जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाते हैं तो इसका यही मीनिंग निकल कर आता है। जो डेटा है उसका एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन निकालना फॉर अ यूजफुल मैनर, डेटा का एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन निकालना फॉर द यूजफुल मैनर, इट्स कॉल्ड द रिसर्च। अब इसका बुकिश वैल्यू देखते हैं, आपको अब समझ में आएगा। बिजनेस रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा था उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, ऑफ ऑल द बिजनेस एंड यूजिंग सच इंफॉर्मेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के उसका यूज भी करना। रिसर्च इज द डिफाइंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, हमने न्यू नॉलेज एक्वायर करा, पहले डेटा तो कलेक्ट करा लेकिन उससे नया नॉलेज एक्वायर करा, और द यूजेस ऑफ एक्सिस्टिंग नॉलेज इन द न्यू और क्रिएटिव वे सो जनरेट न्यू कंसेप्ट। हम किसी पुराने डेटा के आधार पे या इंफॉर्मेशन के आधार पे कोई नया कंसेप्ट निकालते हैं, नई यूजफुल मैनर के अंदर कोई डेफिनेशन देते हैं, यूजफुल मैनर के अंदर कोई मेथडोलॉजी क्रिएट करते हैं, ऑल आर थिंग्स इंक्लूड इन द रिसर्च। तो रिसर्च का बेसिक मीनिंग यही है, रिसर्च इज बेसिकली एनालाइजिंग ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रिटेशन विद द यूजफुल मैनर, विद द यूजफुल मैनर। देखो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो लेकिन यूजफुल मैनर में नहीं है तो वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड, रिसर्च किसी ना किसी एम को लेकर करी जाएगी। रिसर्च ऐसा नहीं है कि आप विदाउट एम, जैसे कि बहुत सी चीजें हैं जो विदाउट एम बन गए, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक की जब रिसर्च हुई तो प्लास्टिक की खोज नहीं करी जा रही थी, कुछ एक डिफॉल्ट एक्सीडेंट होता है जिसमें प्लास्टिक बन जाता है।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम किसी न किसी जो पर्टिकुलर वे में, जैसे कि मैं एक सपोज बिजनेस रिसर्च की बात करता हूँ, तो मैं एक ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आने वाले साल के अंदर बिजनेस में सेल कितनी होने वाली है, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, तो इसका प्रीवियस डेटा के ऊपर इंफॉर्मेशन रहेगी, उसका इंटरप्रिटेशन होगा और उसका एक ऑब्जेक्टिव है, मीन्स कि इस रिसर्च को करने का मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है, मेरे को एस्टिमेट करना है कि अगले साल कितनी सेल होने वाली, गेटिंग माय पॉइंट। तो रिसर्च ऑलवेज हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ऑलवेज हैव अ पर्टिकुलर डेटा, ऑलवेज हैव अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, और उसका इंटरप्रिटेशन ही रिसर्च है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे दोस्ती करने की जरूरत है। हम दिन भर रिसर्च का, कोई भी बच्चा हो एक काम तो जरूर करता है, रिसर्च करने का काम। अब ये रिसर्च जैसे मोबाइल खरीदना होता है, आपको पूरे जमाने भर की वेबसाइट छान लेते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहाँ से सस्ता मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, कौन सा नया मॉडल आया, गेमिंग के लिए कौन सा है, कैमरा कौन सा अच्छा है, रैम किसकी अच्छी, सारी चीजें सर्च करी जाती है, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद उसका एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट फोन, दिस इज माई बजटेड फोन, तो ये मोबाइल अपन ऑप्ट कर ले। उसके बाद भी कहानी शुरू नहीं होती, वहाँ के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, मामा मम्मी से आएगी, पिताजी से आएगी, रिश्तेदारों से आएगी, कहाँ से आने वाली, दोस्त देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कितना देगा, और नहीं देगा तो कितना नहीं देगा। तो सारी बातें ध्यान में रख के हम हमारे फोन को खरीदते हैं। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर आपने अगर कुछ भी चीज बाइंग डिसीजन लिया है तो उससे रिसर्च करी होगी, कुछ भी चीज है, मोबाइल एक एग्जांपल है, हम शर्ट बाय करते हैं, हम पेन बाय करते हैं, तो उससे बेसिकली रिसर्च होती है, लेकिन काफी फ्रिक्वेंटली हो जाती है इसलिए हमें पता नहीं चलता। जब हम इसको सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं तो ये बिजनेस रिसर्च, थोड़ा प्रोफेशनल मैनर में इसकी बात करेंगे तो बिजनेस रिसर्च। बहुत सिंपल मीनिंग है ना, डेफिनेशन समझ में आ गया ना, एग्जाम में आएगा, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो कहीं पे आने वाली है। अब क्या इंपॉर्टेंस का है, इंपॉर्टेंस बहुत है भैया रिसर्च की, हर दिन हर पल हर घड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्ड नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज एक्वायर मिलता है हमको, फैसिलिटेट एफिशिएंट लर्निंग, यानी कि लर्निंग को इंप्रूवमेंट मिलता है, अंडरस्टैंडिंग वेरियस इशू, टू नो द ट्रूथ एंड ट्रू लाइज, यानी कि क्या सही है क्या गलत है हम रिसर्च से प्रूव कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी कहां है, अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अगर मैं एस्टिमेट कर लूं कि आने वाले 2 साल के बाद इतनी सेल होने वाली है, तो आई हैव वन अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, आई हैव वन कि इतनी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि इतने मेरे को प्रोडक्शन करना है या इतना प्रोडक्शन नहीं करना है, या इस चीज की डिमांड है, इस चीज की डिमांड नहीं है। जियो ने यही तो करा था, उनको पहले से पता था 4G की डिमांड आएगी मार्केट में, हर जना 4G का फोन लेना वाला है, एक्वायरिंग नॉलेज उन्होंने कर लिया था, रिसर्च पहले से कर ली थी, 5 साल 10 साल बाद हमारा विजन ये होगा कि हर के पास एक 4G फोन होगा, और आज हम सब लेके बैठे हैं 4G का फोन, टू सीक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इन द मोस्ट वैल्यूएबल टूल ऑफ टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी problem disprove lies uphold truth and build to create knowledge that is reliable authenticate and conducting research develop a better understanding on enhanced decision making capability। अब कोई रिसर्च की इंपॉर्टेंस पूछे तो सिंपल है भाई, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेती है, नॉलेज बढ़ाती है, जो लाय है उनको डिमोलिश करती है, ट्रुथ है उसको अपहोल्ड करती है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है, और क्या है, वेरियस इश्यूज के ऊपर हमको वास्ट नॉलेज मिलता है, और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है। बेसिक है ना, क्लियर है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ रिसर्च, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइप दे रखे हैं, किसी ने 2 दी है, किसी ने 4 दी है, किसी ने 5 दी है, किसी ने 7 दी है। दिस टाइप्स आर बेसिकली फॉर MBA एंड द PhD स्टूडेंट। अगर आप BBA BCA में जाओगे, BCOM में जाओगे, तो बिजनेस रिसर्च, और 12th के स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए रिसर्च के टाइप्स कुछ कम दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल के अंदर अपने सारी चीजें बताई। फर्स्ट है बेसिक रिसर्च। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। अच्छा, जो बेसिक रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च भी हो सकती है, बेसिक रिसर्च है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी हो सकती है। मींस दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च, मींस कि जो रिसर्च है उसका ऐसा कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि हर ऑथर अलग अलग टाइप दे रहा है, तो उसका कोई बेसिक टाइप नहीं है। मींस बट एग्जाम के अंदर जब टाइप आता है तो हमें लिखना क्या है, जब एग्जाम में टाइप्स आता है तो उसके ऑब्जेक्टिव के बेस पे रिसर्च के टाइप डिस्क्रिमिनेट किए गए, मींस कि ये अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो ये वाला टाइप है। जैसे पहला बोला है बेसिक रिसर्च, इसके अंदर क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूं, ठीक है। बेसिक रिसर्च इज मोस्टली कंडक्टेड टू एनहांस नॉलेज, इट कवर फंडामेंटल एस्पेक्ट, इट कवर फंडामेंटल एस्पेक्ट एंड मोर मेन मोटिवेशन to research is knowledge of expansion is non-commercial research and doesn't
facilitate in creating, inventing anything. For example, experiment in a good example of basic research. यानी कि ये जो रिसर्च है, सॉरी, ये जो रिसर्च है बेसिक रिसर्च, वो उस तरीके के रिसर्च है जिसमें हम कुछ नया खोज करने के नहीं बल्कि रेगुलर एक्टिविटीज के ऊपर एनहांसमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी 4G का फोन चल रहा है, 5G इंट्रोड्यूस होने वाला है, थोड़े टाइम में 6G आएगा इंडिया में, जापान में ऑलरेडी चल रहा है। तो ये जो रिसर्च है कि अब 6G को 7G में कैसे लाया जाए, 8G में कैसे लाया जाए, दैट इज अ रेगुलर रिसर्च। और बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर जब रिसर्च करी जाती है तो ये रेगुलर रिसर्च की कैटेगरी में केवल नॉलेज एनहांसमेंट पर्पस से बेसिक रिसर्च कहलाती है। गेटिंग माय पॉइंट, जब नॉलेज एनहांसमेंट करना हो तो बेसिक रिसर्च है। देखो याद भी करा दूंगा, अगर मेरे साथ में चल लोगे तो याद भी हो जाएगा, केवल ध्यान से सुनना है आपको। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो कैब की फैसिलिटी नहीं थी, ऑटो वाले को बुलाना पड़ता था, भैया आओ, 3 मेंबर हैं लेके जाओ, कभी घर से स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, तो अब रात को 11 बजे तो मिलेगा नहीं, फिर कहीं उसके नियरेस्ट तक जाओ, गाड़ी लेके जाओ, फिर वहाँ से उसको पकड़ के लाओ, फिर घर से सारा सामान रखो। अब क्या फैसिलिटी आई, उबेर ओला ने फैसिलिटी दी, डायरेक्ट एप्लीकेशन से बुक करो, घर पे आएगा आपके, आपको पिकअप एंड ड्रॉप देगा, पूरा GPS से बता देगा कितनी देर में आने वाला है, कितना फेयर लगने वाला है, क्या चार्जेस है। दैट इज अप्लाइड रिसर्च, बेस्ट एग्जांपल। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक बेसिस को यूज करा जाता है तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। गेटिंग माय पॉइंट, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, दैट नेम सजेस्ट, इसका नेम से ही क्लियर है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है। अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द problem to find out relevant solution. The problem refers to the having issue of the two thoughts while making a decision. अब problem oriented research क्या कह रही है, third है ये part, point. Second, problem oriented research क्या कह रही है कि कोई problem है कि suppose कि मेरे को BCom हो गया, अब MBA का course करना है या MCom करना है, अब MBA हो गया, MBA second sem में आ गए, finance लेना है, IT लेना है, HR लेना है, marketing लेना है या कोई अदर रिलेवेंट इंटरनेशनल ट्रेड लेना है, कौन सी मेरे को मेजर स्ट्रीम लेनी है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। जब हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके किसी बेस्ट ऑप्शन की ओर रिसर्च करते हैं तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, अभी सारे याद करा दूंगा, निश्चिंत रहना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम थोड़ा सा राज कर दिया जाए, ठीक है, ये है ही, थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिख रखा है इसलिए थोड़ा सा अपन को इशू आएगा, इसकी PPT टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी इसलिए आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड बाय कंपनी टू अंडरस्टैंड एंड रिसॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च यूजेस टू अप्लाई रिसर्च टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर कोई हमको, एक तो थी प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, यहाँ पर हमको जब अल्टरनेटिव चूज करने थे किसी प्रॉब्लम के तो हमारे पास थी प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, यहाँ पर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, याद रखना कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यहाँ पर हमारे पास केवल एक प्रॉब्लम है और उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। मेरे को यहाँ से कहीं जाना है तो प्रॉब्लम है भैया गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो ये तो अब दिक्कत मेरी है, पेट्रोल पंप जाऊँ पेट्रोल भराओ। लेकिन एक डिफरेंट नॉर्मल वे से लेते हैं कि एक कंपनी को कहीं पे कुछ एस्टेब्लिशमेंट करना है और उसका प्लांट जो है वो शट डाउन हो गया है फॉर अ टेक्निकल रीजन, तो वो क्या करा जाए कि वो प्लांट वापस से एक्टिव हो जाए। अब उसमें टेक्निकल रीजन में उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कुछ उसका क्या जुगाड़ लगाया जाए जिससे उसकी कॉस्ट कम हो जाए, तो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजन, यहां पर उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं। जब अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जब हम कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बेसिक रिसर्च, और जब हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च। बताओ, चार मैंने बताई, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, अप्लाइड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेसिक रिसर्च, याद हो गया ना, BAPP। चलिए आगे चलते हैं अपन, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, दीज आर द मेजर टाइप्स। ये 12th में आप जाओगे, MBA के आगे जाओगे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव काइंड्स ऑफ द रिसर्च आएगी, वो अप्लाइड, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सब नहीं लिखा हुआ होता, बहुत सी जगह केवल ये लिखा हुआ हो सकता है, आपकी किताब में भी केवल क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव लिखा हुआ हो और ये ओवरलैप करती है, तो आप ये याद रखना, इसको अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं, BAPP, QQ, थोड़ा सा याद हो जाएगा।
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है आगे इसका डिफरेंस भी अपन को मिल जाएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ एमबीए में तो ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए अभी इसको यही कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो, क्योंकि आगे अगर कंसेप्ट क्लियर करने जाओगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी अपन को। एक को यहीं पे अपन को इसका कंसेप्ट अपन को क्लियर करते चलना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है। चलो क्लियर करवा दूं, एक है हमारे पास क्वालिटेटिव, और एक है क्वांटिटेटिव। बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें आप ये बात मान के चलिएगा, क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर रिसर्च होती है। पहला बेसिक इसमें फंडा क्या याद रखना है कि क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर रिसर्च होती है, यानी कि वाई इसमें आता है वाई, और यहां पर आता है हाउ मच। ये एक इसका याद कर लेना तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस। व्हाई 80% लोग चॉकलेट को पसंद करते हैं, तो क्यों पसंद करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। डिफरेंस समझना, जब हम किसी की टेस्ट चॉइस हैबिट के ऊपर बात करते हैं या डेटा कलेक्शन से ज्यादा एक बियॉन्ड स्टेप के ऊपर बात करते हैं कि 80% लोग उनकी जॉब से डिससेटिस्फेक्शन में हैं, तो वो क्वालिटेटिव काइंड ऑफ रिसर्च के अंदर आएगा। जब हम ये कैलकुलेट करने के ऊपर जाएं कि कितने परसेंट लोग उनकी जॉब से अनसेटिस्फाइड हैं, तो वो क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ रिसर्च में आएगा। मींस जब हम एग्जैक्ट नंबर पे बात करते हैं, हम एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं, जब हम टेबल ग्राफ और नंबर बेसिस पे बात करते हैं, न्यूमेरिकल बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और जब हम टेस्ट चॉइस हैबिट यानी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, फेयरनेस के ऊपर, यानी कि जैसे कि टेस्ट चॉइस कोई किससे कितना गोरा है, तो बहुत गोरा, कम गोरा, नंबर्स में उसको डिनोट नहीं किया जा सकता, लेकिन कितना वजनदार है तो उसमें बोलेगा 80 kg, 70 kg, 60 kg। बोला जाए कि गुड़ शक्कर से कितना मीठा है, तो बोलेंगे शक्कर थोड़ी कम मीठी है, गुड़ ज्यादा मीठा है, तो देट इज क्वालिटेटिव। लेकिन कितना वेट में उसका एवरेज डिफरेंस है, तो देट इज क्वांटिटेटिव। समझ में आया रहा है ना कि क्वालिटेटिव किस पे कहते हैं, जब हम किसी की टेस्ट चॉइस हैबिट यानी कि गुणों के ऊपर रिसर्च करते हैं, क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव जब हम किसी के डेटा बेस पर रिसर्च करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका बुकिश भी जाना जरूरी है, क्योंकि बुक के बिना तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कह रही है, किताबों में क्या लिखा हुआ है, वो ये कह रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ प्रोसेस दैट अबाउट टू इंक्वायरी दैट हेल्प्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स और इशू दैट नेचुरल सेटिंग्स इज द नॉन स्टैटिकल रिसर्च मेथड। नेचुरल सेटिंग है। अब हम मेरे को कोई क्यों पसंद है, चॉकलेट क्यों पसंद है, चॉकलेट क्यों नहीं पसंद है, सेटिस्फेक्शन क्यों है, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, तो दैट इज क्वालिटेटिव का पार्ट होता है, ठीक है। किसी कंपनी की ब्रांडिंग, उसकी गुडविल, उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है। लेकिन किसी कंपनी की सेल्स का डेटा, उसकी क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर एंड द क्वेश्चन used to probe the sample. The sample size is usually restricted to 6 to 10 in the sample upon, वैसे sample size की इसमें यहाँ पे बात नहीं करेंगे अपन, sample size आपके second unit में आएगा, इसलिए उसके ऊपर उस समय detail में बात करेंगे। हाँ, one-to-one interview होता है, focus group होता है, ठीक है, content होता है, case study आपके आती है, वो सब क्या है, qualitative research है, यानी उसके अंदर case study के अंदर क्या check करता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल कितनी है। एग्जामिनर ये चेक नहीं करता है कि आपने आंसर क्या लिखा है, क्योंकि केस स्टडी में तो सबके आंसर सही होते हैं लगभग, यदि आप कहीं वो ट्रैफिक से ही नहीं हटोगे, मतलब पाथ से ही नहीं हट गए कि मैं तो कुछ अलग ही लिखूंगा, तो नॉर्मली सबका आंसर सही होता है। लेकिन उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है, कैपेबिलिटी कितनी है, दैट इज केस स्टडी रिसर्च में हम ये चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, अब यहाँ पर जब मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करता हूँ, तो उसके अंदर आता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स अ लार्ज पॉपुलेशन इन द मोर नंबर्स ऑफ पीपल्स मींस मोर डेटा। जब हम डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, इट मैनर्स मोर डेटा कैन एनालाइज और ऑब्टेन accurate result. The type of research method used to close-ended question because the quantitative researchers are typically looking a measure to extend the gathering foolproof statistical data. Foolproof नहीं, foolproof होगा।
फुल प्रूफ स्टैटिकल डेटा, तो टी दिख गया था। ठीक, चलिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑफ डेटा आपको समझ में आ गया कि इज बेस्ड ऑन द नंबर, इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। जब हम ये चेक कर रहे हैं कि किसी क्वांटिटी का चेक कर रहे हैं, यानी वेट हो गया, एज हो गया, ठीक है, कभी हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, जब बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। जब हम टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस, हैबिट की बात करते हैं, किसी क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो आप कितने होनेस्ट हैं, सर बहुत होनेस्ट हूँ, बहुत कम होनेस्ट हूँ, तो ये क्वालिटेटिव की बात है। आपका वजन कितना है, तो क्वांटिटेटिव की बात है, 70, 80, 90, 100 निकल के पड़े, ठीक है, चलिए मजा आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ द रिसर्च, अब ये जो रिजल्ट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी अपन ने देखे थे, इंपॉर्टेंस देखे थे। अब कभी अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए तब भी यही क्वालिटीज लिखनी है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बेनिफिट पूछ लिया जाए तब भी यही लिखना है, एडवांटेज पूछ लिया जाए तब भी यही लिखना है, गुड रिसर्च के आइडियल पॉइंट लिख दिया जाए तब भी यही लिखना है, यानी कि एक ही क्वेश्चन 4-5 ढंग से पूछा जा सकता है। अच्छा, ये कोई भी नहीं, आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ होगा कि देखो ओवरलैप करना है, लेकिन मैं आपको गारंटी से देता हूँ जब आप इसके एडवांटेजेस पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, तब भी यही चीजें मिलेंगी। इसलिए 4-4 जगह ना पढ़ के अपन टाइम सेव करते हैं, अपना नंबर ओरिएंटेड काम करते हैं। सबसे पहला क्वालिटीज क्या होती है, एम्पिरिकल होती है रिसर्च, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट थ्योरी। ठीक है, रिसर्च हवा में नहीं होती, एम्पिरिकल मतलब कि जो ठोस एविडेंस बेस्ड होती है, यानी साइंटिफिक मेथड यूज लिया जाता है, यानी कि आप एज अ वेग बात नहीं कह सकते कि इंसान हवा में उड़ सकता है, इसकी बात अपन ने करी तो प्लेन से उड़ रहा है, लेकिन आप बोलो कि ऐसे ही उड़ सकता है, हनुमान जी जैसे ऐसे ही उड़ के जा सकता है, तो वो उसके लिए तो सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत है, लेकिन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिसर्च। गेटिंग माई पॉइंट, तो एम्पिरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन द डेटा एंड द साइंटिफिक मैनर, यानी कि साइंस होना उसमें जरूरी है। सिस्टमेटिक होती है, मीन्स कि रिसर्च होने के लिए एक प्रॉब्लम होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, अल्टरनेशन होगा, डेटा कलेक्शन होगा, अपन रिसर्च प्रोसेस में सारी पॉइंट देखेंगे, और एक सीक्वेंस होता है, कंट्रोल्ड होता है। दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल। बेसिकली जो रिसर्च होती है वो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में होती है, मेरे को यहाँ 500 लोगों के ऊपर रिसर्च करनी तो कंट्रोल्ड है। इम्प्लॉयज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस बेसिकली स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कितने लोग वो चॉकलेट पसंद है, मान लेते हैं 80% लोगों को यूपी में चॉकलेट पसंद है, 60% लोगों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, 80% को पसंद है, 60% को बहुत ज़्यादा पसंद है। आउट ऑफ माई डेटा देर इज अ 2 samples जिसमें मैंने एक में जॉट डाउन करा कि 80%, और जब मैं कॉमन निकालूंगा तो अलग पैरामीटर पे निकलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को फाइंड आउट करना था कि इन दो डेटा में कि दे आर लाइकली टू चूज द चॉकलेट फॉर ईटिंग हैबिट और नॉट। तो ये दिस इज द हाइपोथेसिस, मीन्स जिस स्टेटमेंट पे हम रिसर्च करते हैं वो हाइपोथेसिस है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस पॉइंट को भी, है ना, आपने बहुत हाइपोथेसिस टाइप 1 और टाइप 2 एरर बहुत डिटेल के अंदर भी है। एनालिटिकल, देखो एम्पिरिकल होती है, साइंटिफिक बेस्ड है, सिस्टमेटिक है, कंट्रोल्ड है, हाइपोथेसिस होती है, और एनालिसिस होना इसमें बहुत जरूरी है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, ऑब्जेक्टिव और अनबाइज और लॉजिकल होती है। लॉजिकल होती है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी, पहले एम डिसाइड होगा उसके बाद रिसर्च करी जाएगी, अनबाइज यानी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होता। इंप्लॉयज क्वांटिटी ऑफ स्टैटिकल मेथड यूज किए जाते हैं, यानी कि कोई सांख्यिकी के न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें एनोवा टेस्टिंग, काई स्क्वायर टेस्टिंग, ये सारे जो हैं सिंपल मेथड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी भी आता है जिसमें, सिंप्लेक्स भी आता है, रिग्रेशन भी आता है, ठीक है, मीन मॉड मीडियन तो आते ही हैं, तो ये सारे मेथड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया है, नहीं हुआ तो एक बार फिर ESCEAOE, ठीक है, इसके इस तरीके से डिटेल याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप धीरे 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 मेरे साथ सीख जाओगे, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, बहुत इजी से सारे टॉपिक अपन क्लियर करते हुए चल रहे हैं। 20-25 मिनट तक आप ये वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप मेरे को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे ज़रूर बताया करें कि सर 20 मिनट हो गए सुनते सुनते एक भी लाइन समझ में नहीं आई, कि कुछ कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, थोड़ा पेस बढ़ाना है, पेस कम करना है, तो अपन अपडेट करेंगे। ठीक, रिसर्च एप्लीकेशन इन द फंक्शनल एरिया ऑफ रिसर्च बिजनेस, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। अब रिसर्च कहाँ कहाँ यूज करी जाती है, जहां जहां बिजनेस है वहां वहां रिसर्च है। रिसर्च कहाँ है, सेल्स में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, कोऑर्डिनेशन में, एचआर में, सब जगह रिसर्च है। यही तो चीज लिखी हुई है, यही चीजें अब इतनी टिपिकल लिखी हुई होती है, देयर इज अ बिजनेस रिसर्च इज प्लानिंग। अच्छा, अपने लिए बिजनेस रिसर्च ही पढ़ना है,
क्योंकि पीआरएम सब्जेक्ट है ना, जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पीएचडी में जाएंगे तो रिसर्च की बात है, लेकिन जब बिजनेस रिसर्च के फंक्शंस पूछा जाता है कि प्लानिंग कलेक्शन ऑफ द डेटा एनालाइजिंग बिजनेस डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू ये साइंटिस्ट बिजनेस रिसर्च मैनेजमेंट टूल ऑफ द कंपनी यूज टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिसर्च इज एक तरीके का टूल है जो अनसर्टेनिटी रिड्यूस करता है, क्यों? क्योंकि हम पहले से प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं और फिक्स कर लेते हैं। दिस आर द फंक्शनल एरिया वेयर द बिजनेस रिसर्च यूज। ठीक है, अब कौन कौन से फंक्शनल एरिया हैं जल्दी से देख लेते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर में बिजनेस रिसर्च यूज होती है, ऑपरेशन में बिजनेस रिसर्च यूज होगी, सेल्स में यूज होगी, मार्केटिंग में यूज होगी, फाइनेंस में यूज होगी, अकाउंटिंग में। और ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन से है, याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन से है, मतलब एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, जो भी आपको फंक्शन करने हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग। अगर फाइनेंस से लिखते थे, अकाउंटिंग नहीं लिखते तब भी सही था। दीज आर द फंक्शन जहां पर हम, या स्कोप ऑफ द बिजनेस रिसर्च बोलोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द बिजनेस रिसर्च बोलोगे तब भी यही आंसर आएगा, और फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस रिसर्च बोलोगे तब भी यही आंसर आएगा। हमेशा तीन क्वेश्चन में तैयार करवा रहा हूँ पैरेलल। अब इमर्जिंग ट्रेंड कौन कौन से बिजनेस रिसर्च में, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आजकल की बिजनेस रिसर्च के अंदर कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक समस्या ये है कि इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब होता है नई चीजें। अब नई चीजें जो बुक लिखी थी वो 2017-18 में लिखी थी, हमसे एग्जाम 22-23 में लिया जा रहा है, तो अब पता नहीं चलता इमर्जिंग ट्रेंड 22-23 के लिखने हैं, 17-18 के लिखने हैं, लेकिन जस्ट आर द कॉमन इमर्जिंग ट्रेंड्स लाइक फर्स्ट स्टॉक इंडिकेट्स। स्टॉक इंडिकेट्स लाइक सेंसेक्स निफ्टी के अंदर अभी हम बिजनेस रिसर्च का यूज कर रहे हैं, मंथली एनुअल रिटेल ट्रेड रिपोर्ट के अंदर हम बीआरएम का यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, पीएफ रिटर्न, ईएसआई रिटर्न, एम्प्लॉय का रिटेंशन रेशो, एम्प्लॉय की वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, प्रोडक्शन स्टडी, ये सारी की स्टडी एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स में आता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी कंज्यूमर लॉयल्टी, कंज्यूमर कितनी बार रिपीट होता है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपके स्टोर पे आ रहा है, दैट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। और जीडीपी के अंदर अब हम बिजनेस रिसर्च का यूज कर रहे हैं। दीज आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स। केवल दो चार पांच और भी याद रख सकते हो, एनडीपी है, नेशनल इनकम है, ये और याद कर सकते हो। ग्लोबल ट्रेंड्स है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल एटमोसफियर है, ग्लोबल आपके चेंजेस हैं इनके अंदर, ग्लोबल एनवायरमेंट है, माइक्रो मैक्रो, वो भी सारी चीजें इसके अंदर लिख सकते हो। अलग अलग बुक्स ने अलग अलग इमर्जिंग ट्रेंड लिख रखे हैं, आप अलग अलग वेबसाइट पर जाओगे तो अलग अलग चीजें मिलेगी। बट स्टॉक इंडेक्स, सेंसेक्स निफ्टी, मंथली एनुअल रिटर्न, एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी कंज्यूमर लॉयल्टी, पहले चेक नहीं करी जाती थी, अब बहुत चेक करती है कंपनी ताकि कंज्यूमर जुड़ के रहे। एक बार कंज्यूमर आ जाए, आज क्या इकोसिस्टम बहुत चलता है। जियो ने, गूगल पे ने पहले आपको, जियो ने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले आपको फ्री का इंटरनेट दिया, फ्री की सिम दी, फ्री का डेटा दिया, सब कुछ फ्री दिया, कॉलिंग वॉइस दिया, अब क्या हो गया, हम उससे जुड़ गए, अब हमको डिपेंडेंसी आ गई, यानी कंज्यूमर अब कॉन्फिडेंस अब बढ़ना ही पड़ेगा, लॉयल्टी बढ़ानी पड़ेगी, हमको खरीदना ही पड़ी उसकी प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज की, क्यों? क्योंकि हमको सबको फ्री का नेट चाहिए था, फ्री की कॉलिंग चाहिए था, तो कंज्यूमर को एक डिपेंडेंसी बना दी, यानी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दिया और कंज्यूमर की लॉयल्टी बढ़ा के उनका बिजनेस आगे बढ़ाया। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, तो दिस आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। वैसे बिजनेस रिसर्च खुद एक अपने आप में साइंटिफिक मेथड है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, तो यहाँ पर एक साइंटिफिक मेथड भी दे रखा है। इसमें बेसिकली अपन को ये सिंपल लिखना है कि हाइपोथेसिस डेवलप करी जाती है, एनालाइज करी जाती है और उसको इंटरप्रिटेट करी जाती है। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ होगा, द साइंटिफिक मेथड ऑफ द सिस्टम यूज द साइंटिस्ट एक्सप्लोर द डेटा, जनरेट टेस्ट हाइपोथेसिस, डेवलप न्यू थ्योरीज एंड कन्फर्म रिजेक्ट अर्लियर रिजल्ट। Although the exact method of the use of the different science, for example, ठीक है, अगर कोई साइंटिस्ट ने कोई पुरानी थ्योरी दी है उसको रिजेक्ट करनी है या हमको नई थ्योरी डेवलप करनी है तो साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है। BRM से कुछ ही कुछ लेना देना है, एक अलग से छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है इसलिए अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया। सिंपल जो BRM में काम होता है वही साइंटिफिक मेथड है, कहीं कहीं इसको साइंटिफिक मेथड बोल दिया, कहीं बिजनेस रिसर्च बोल दिया, है क्या? डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, हाइपोथेसिस क्रिएट करना, उनको टेस्ट करना, उसके बेस पर रिजल्ट बनाना और रिजल्ट बनाने के बाद में न्यू थ्योरी जनरेट करना, दैट इज, और इंप्लीमेंटेशन। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। थोड़ा सा पानी पी भी लेना चाहिए मेरे को।
हाँ तो मैं फिर से आ गया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना साइंटिफिक रिसर्च वाले, ये जो 6 पॉइंट आप देख रहे हो ये 3 जगह रिपीट हो रहे हैं। देखो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, 3 जगह रिपीट हो रहे हैं। कहाँ पे? एक तो डेटा में, एक क्वेश्चनएयर में, एक साइंटिफिक रिसर्च में। मींस तीनों के आंसर सेम है, तीनों के पॉइंट सेम है और तीनों में अलग अलग चीजें आएंगी अभी अपन देखेंगे। तो 3 क्वेश्चन एक साथ प्रिपेयर हो रहे हैं अपने, ये याद रखिएगा। क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, यानी साइंटिफिक रिसर्च का प्राइमरी गोल टू परस्यू द ट्रुथ और लॉजिकल कंसिडरेशन, किसी भी प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करना। दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक। पर्पसनेस यानी कि न्यू थिंग आइडेंटिफाई करना, न्यू पर्पोसिवनेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है। हाँ, रेप्लिकेबिलिटी का मतलब है जो न्यू थिंग अराइव करना, मींस के वैसे पर्पसिवनेस तो भी सेम थिंग है कि न्यू थिंग अराइव करना, यहाँ पे रेप्लिकेबिलिटी यानी कि जो ऑलरेडी डिटरमाइन किया गया है, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है उसमें कुछ एड ऑन करना रेप्लिकेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता है कि जो हमने साइंटिफिक रिसर्च करी है वो लॉजिकल वे में होती है। वैलिडिटी मीन्स के वो वैलिडेट है, इस ट्रूली कंसर्न में चल रही है। और रिगर, रिगर का मतलब है यहाँ पर ठोस, रिगर का मतलब यहाँ पर रिगिड से नहीं है, रिगर का मतलब यहाँ पर जो है ठोस से है, मीन्स के जो मटेरियल इलास्टिक होती है। एंड टेस्टेबिलिटी और जनरेबिलिटी, यानी कि आप अगर वो साइंटिफिक रिसर्च करोगे तो वो वैलिडेट कहलाएगी, यहाँ पे भी कहलाएगी और अगली बार कोई उसको डेटा को अगर सेम टेस्ट रिसर्च करता है तो वो भी वैलिडेट कहलाएगी। तो अब सर ये सारी रामायण क्या है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसे बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक बीच में बीआरएम में दिया गया है। तो देखो बीआरएम में क्या दिया है, ये ऐसा दिया है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो एक पार्ट दे रखा है। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या है, बेसिकली बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी खुद एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वो किसी ऑब्जेक्टिव बेस पे होगी, उसका डेटा जो होगा वो वैलिडेट होगा, रिपीट नहीं होगा, नॉवेल थिंग पे आधारित होगी, ठीक है, रिगिड नहीं होगा, मतलब चेंज किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, मतलब 2+2 इंडिया में भी 4 है, अमेरिका में भी 4 है, ठीक है, कहीं पे वो सेम टूल, सेम एनालिसिस, सेम एटमोसफियर कंट्रोल करके करा जाए तो सेम रिजल्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। दैट इज द साइंटिफिक रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली इतना सा याद करना, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है इसमें, 1 पेज का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी फर्स्ट यूनिट में तो है ही नहीं, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव। रिसर्च प्रोसेस की स्टेप्स बताइए, एक आइडियल रिसर्च प्रोसेस की क्या स्टेप्स होती है, और मैं आपको याद करवा दूंगा। 32 मिनट तक देख रहे हो, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा आपने, मेरे को जीवन का आधा घंटा दिया है। मैं यकीन कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आएगा और आप सीधा सीधा इसका आंसर लिखकर आओगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक रिसर्च के पीछे ग्राफ भी बना हुआ है, लेकिन अभी आप सुन लो, पहले 2 मिनट सुन लो, उसके बाद बुकिश बातें क्या करेंगे। इसको सीखने का बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक छोटा सा तरीका है, और वो मैंने अपनाया था, आपको भी बता देते हैं, कोई ऐसी बड़ी राज की बात नहीं, आप ये करते हैं और अपन ने एग्जांपल भी ले लिया। मेरे को क्या खरीदना है, मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले बजट चेक करूँगा, बजट चेक करने के बाद अल्टरनेटिव चेक करूँगा, अल्टरनेटिव चेक करने के बाद एक चूज करूँगा और उसको खरीद लूँगा। दैट इज़ अ नॉर्मल प्रॉब्लम जिसको मैंने सॉर्ट आउट करी और मैं लेकर आया, तो देट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करेंगे। तो आप जैसे कि बिजनेस की मैं एक प्रॉब्लम बात करता हूँ, मेरी सेल्स मेरे को देखनी है, सेल्स देखनी है 2030 की, एस्टिमेट करनी है कि मेरी 2030 में, मान लो मेरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की कंपनी है और 2030 में इंडिया में कितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसका मेरे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, दिस इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी रिसर्च। फिर मैं कलेक्शन ऑफ द डेटा करूंगा, यानी कि अभी कितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, भविष्य में कितने रहने वाले हैं, कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है, भविष्य में इंडिया की पॉपुलेशन किस रेट से ग्रोथ करेगी, कितने हम व्हीकल्स अडॉप्ट करने वाले हैं, पेट्रोल की कॉस्ट कहां तक पहुंचेगी, इसकी सब प्रमोनेशन करेंगे। जब कलेक्शन ऑफ द डेटा हो जाएगा उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा, टेस्ट लगाऊंगा,
कि आज 2 लाख लोग खरीद रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, अगर 10 गुना पॉपुलेशन बढ़ती है तो 5 गुना पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये भी 5 गुना बढ़ेगी, तो टेस्ट लगा के मैंने वो फाइंड आउट करा तो मुझे पता चला कि 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2030 में बिकेंगे, ये मैंने फाइंड आउट करा। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, मैंने आज से इसके ऊपर वर्क ऑन करना शुरू किया, आज से मैंने उसका प्लांटेशन शुरू किया, आज से मैंने उसके जो राइट्स थे, जो उसके ऊपर रिसर्च थी, उसमें पैसा लगाना शुरू किया, तो दैट इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसको, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम थी, उसको अपन ने सॉर्ट आउट किया और काम कर दिया। अब यहाँ पर कोई अल्टरनेशन वगैरह चूज नहीं कर रहा था ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बुक क्या कह रही है कि फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम पता कर लो, फिर मैनेजमेंट क्वेश्चन करता है, भैया ये प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, मैनेजमेंट क्वेश्चन क्या करता है, किस पे वर्क करना है, प्रॉब्लम तो बहुत सारी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल कितनी हो रही है, पेट्रोल की सेल कितनी हो रही है, डीजल की सेल कितनी हो रही है, कपड़े कितने बिकने वाले, बहुत सारे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कौन सी है, वो मैनेजमेंट क्वेश्चन। फिर रिसर्च का उसके ऊपर बेस क्वेश्चन क्या है, डेमोग्राफिक वो पे आ गया, अब मेरी इंडिया पे आ गया मैं पॉइंट पॉइंट। इसके बाद इन्वेस्टिगेट द रिसर्च प्रपोजल, जो मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया है कि मैं ऐसे ऐसे एनालिसिस करूंगा, मैं इतना डेटा इकट्ठा करूंगा सेकेंडरी सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। तो और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक ड्राफ्ट होता है, क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं ये रिसर्च कैसे करूंगा, कितना खर्चा होगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और फिर ये ड्राफ्ट जब रिसर्च प्रपोजल बन गया है तो उसका ड्राफ्टिंग हो जाएगी, मीन्स उसको टाइप कर लिया, उसको अप्रूवल के लिए मैंने फाइनल चीजें उसमें रेफरेंस वगैरह सब जोड़ लिए, फिर इवैल्यूएट करा ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड इंप्लीमेंट। ये तो हो गई आपके रिसर्च प्रोसेस की, रिसर्च प्रोसेस जब हम स्टार्ट करा और एंड तक आ गए, ये सारी की सारी प्रोसेस। अब आ जाते हैं इसका एक ग्राफ और दिया हुआ है, क्या लिखा है देखिए, अगर आप पीएचडी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो ये वाली रिसर्च प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्या पॉइंट लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लिटरेचर रिव्यू, रिव्यूइंग लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू, दिस इज द सेकंड प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है, जितना ओल्ड डेटा, ओल्ड रिसर्च पेपर, ओल्ड न्यूज आर्टिकल, ओल्ड सेकेंडरी सोर्सेज, वो सब मैं पहले पढ़ूंगा कि मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ वो हो सकता है किसी और बंदे ने कर दी हो। मैं आज पता करने जा रहा हूँ कि इंडिया में कितने परसेंट लोग चॉकलेट खाते हैं और कितने परसेंट नहीं खाते, किसी ऑलरेडी रिसर्च कर रही हो, शोध गंगा पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं पहले पढ़ूंगा कि इसके रिलेवेंट कहाँ तक डेटा है और गैप आइडेंटिफिकेशन करूंगा कि यहाँ तक रिसर्च हो चुकी है और इसके आगे रिसर्च होना बाकी है। तो दैट इज द रिव्यूइंग लिटरेचर, दैट इज द सेकेंड पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ गई। अब थर्ड, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या होता है कि हम रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि गैप आइडेंटिफिकेशन हो गया कि यहाँ तक तो रिसर्च हो चुकी है, इसके आगे रिसर्च होना बाकी है। यहाँ तक तो पता है कि 2028 तक के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2030 तक आइडेंटिफिकेशन करना बाकी है, तो मैं एक ऑब्जेक्टिव सेट करा, हाइपोथेसिस यानी कि टेस्टिंग, टेस्टिंग जिस लाइन के ऊपर मैं टेस्ट करूंगा, दीज आर द हाइपोथेसिस, डिटेल में देखेंगे इस वर्ड को, है ना। चूजिंग द स्टडी डिजाइन, अब मैं स्टडी डिजाइन यानी कि वो रिसर्च इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, वो रिसर्च बनाऊंगा कैसे, वो रिसर्च करूंगा कैसे, वो देख क्या कहलाएगी, रिसर्च डिजाइन कहलाएगी। नेक्स्ट, डिसाइडिंग द सैंपल डिजाइन, अब पूरी की पूरी मैं अगर इंडिया के ऊपर 2030 में रिसर्च करने जाऊंगा तो 2030 हो जाएगा, लेकिन हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी, सैंपल लूंगा, यानी कि हमारी 100 करोड़ की आबादी है तो मैं मान लो कि कुछ सैंपल डिजाइन लेता हूँ, कुछ मान लो 2 लाख लोगों के ऊपर सैंपल टेस्टिंग करके मैं पता करता हूँ, कुछ एरिया में फिक्स करके पता करता हूँ, कुछ सिटी में फिक्स करके कुछ पता करता हूँ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, यहाँ पर मेजर सिटीज के अंदर चेक करके पता करता हूँ कि एक्चुअल में क्या ग्रोथ होने वाली है, तो दैट इज द सैंपल को डिजाइन करना। देन कलेक्शन ऑफ द डेटा, उन सैंपल से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, दिस इज द 6th स्टेप, समझ में आ रहा है ना, अभी फिर से समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। फिर कलेक्शन करने के बाद एनालिजिंग होगा, और एनालिजिंग तो स्टैटिकल टूल से होता है, एनोवा लगाना है, काई स्क्वायर लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, कौन सा टेस्ट लगाना है, वो प्रोसेस डेटा के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। फिर वो एनालिसिस होने के बाद आपको रिपोर्ट बन जाएगी, और रिपोर्ट राइटिंग का काम
किया जाएगा, और यही प्रोसेस फिर से होगी, क्योंकि यहाँ पर काम खत्म होता है वहीं से दूसरा काम शुरू होता है। 2030 खत्म हुआ है तो 2040 का शुरू होगा, 2035 का शुरू होगा, 2050 का शुरू होगा। तो रिफर प्रॉब्लम अगली हमको प्रॉब्लम बताती है, यानी कि एक चीज जहाँ पर खत्म हुई है दूसरी चीज वहीं से शुरू करी जा सकती है। अब इसको शॉर्ट मैनर के अंदर वापिस से अपन समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे एक प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रिव्यू लिटरेचर, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम बताएंगे, प्रॉब्लम बताने के बाद फिर डेटा चूज करेंगे, डिजाइन चूज करेंगे, फिर सैंपल विड्रॉल करेंगे, सैंपल से डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। दीज आर द 8 प्रोसेस, टोटल मिला के 8 प्रोसेस हैं जिनसे हम रिसर्च डिजाइन की, रिसर्च की प्रोसेस बनती है। रिसर्च प्रोसेस अलग है और रिसर्च डिजाइन अलग है। सेकेंड यूनिट के अंदर हम रिसर्च डिजाइन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। देखो 40 मिनट्स के अप्रोक्स मैंने पूरी की पूरी आपकी BRM की सब्जेक्ट का एक यूनिट निपटाई है। सोचो कितना फास्ट कराया है। कहीं कोई क्वेरी हो, कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बिंदास हमको बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे पॉइंट्स कवर अप करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।